गुरुग्राम में नकली रोडवेज की बसों के चलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां हाल ही में आरटीए विभाग ने एक हूबहू रोडवेज बस की तरह दिखने वाली बस को पकड़ा था। तो वहीं गुरुवार सुबह परिवहन मंत्री ने भी गुरुग्राम सोहना रोड पर चलने वाली दो नकली बसों को छापा मार कर पकड़वाया है। दरअसल परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार गुरुग्राम से होते हुए मेवात की तरफ जा रहे थे। मंत्री जी का काफिला जैसे ही सोहना रोड पर पहुंचा तो उनकी नजर एक प्राइवेट बस पर पड़ी, जो बिल्कुल हरियाणा रोडवेज की तरह ही दिख रही थी। इनके कागजात वगैरह चेक किए गए, इनके पास परमिट है, इनका टैक्स पूरा है। हाँ, थोड़ा सा वायलेशन कलर का है, वो इनको बोल दिया गया है, ये जो है अभी पेंट करने के बाद ही छोड़ी जाएगी। परिवहन मंत्री ने तुरंत बसों को रुकवा कर आरटीए विभाग से कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिस पर विभाग ने दोनों बसों को कब्जे में लेकर चालान कर दिया है। इसके अलावा दोनों बसों पर लिखे हरियाणा शक्ति और हरियाणा एक्सप्रेस के स्लोगन को पेंट से मिटाकर बसों को जोड़ा जाएगा। वायलेशन ऐसा है, कुछ हरियाणा रोडवेज की बसें से मिलता जुलता है, सिर्फ ये वायलेशन है इसमें, बाकी परमिट और फीस सारी पेड है। चलान कर दिया गया है, गाड़ी इंपाउंड कर दी गई है और बाकी कलर चेंज करने के बाद इनको छोड़ा जाएगा। प्राइवेट बसों को रोडवेज बसों की तरह पेंट करने के पीछे बस मालिकों का मकसद सवारियों को गुमराह करने का है। आमतौर पर लोग प्राइवेट बसों में सवारी करने के बजाय रोडवेज बसों में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में ये लोग लोगों को गुमराह करने के लिए हरियाणा रोडवेज की नकल और शक्ल देने की कोशिश करते हैं। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।